हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर जो कि स्टैंडर्ड 10th का पार्ट 2 है मैथ्स का। इसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, सिमिलैरिटी। तो जैसे सिमिलैरिटी में हम लोग कुछ स्टार्टिंग के अगर बात करेंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, जैसे कि इसमें दिया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। तो चलो हम देखते हैं कि ये रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आखिर होता क्या है। जैसे अभी मैंने क्या किया है कि दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे कि ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो फिर क्या किया है कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री, जो कि बी सी पे लाई कर रहा है। और दूसरा जो है ट्रायंगल, उसमें मैंने पी और एस ड्रॉ किया है जो कि क्यू आर पे लाई कर रहा है। तो जैसे हम चलो देखते हैं कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल आखिर होता क्या है। तो पहले जैसे मतलब मैंने ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, हमारा जो ए और डी, ये क्या है, ए डी इज द हाइट, इसको हम हाइट ले लेते हैं। एंड बी सी जो हमारा रहेगा क्या रहेगा, इज द बेस, इसको हम बेस अज्यूम कर लेते हैं। वैसे ही अगर हम ट्रायंगल पी क्यू आर की बात करेंगे तो इसमें क्या दिया है, हमारा पी एस इज द हाइट, पी और एस क्या हो जाएगा, हमारा हाइट हो जाएगा, और क्यू आर क्या हो जाएगा, हमारा इज द बेस। तो अभी हम क्या करेंगे, जैसे कि एरिया निकाल लेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल निकालना है ना। तो एरिया देख लेंगे, पहले ट्रायंगल का एरिया क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मतलब हाफ इंटू बी सी इंटू ए डी। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या है, बी सी क्या आ जाएगा, हमारा बेस, और ए डी क्या हमारा हाइट है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हमारा किसका फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का ये हमारा इससे फार्मूला हो गया। सेकेंड क्या करेंगे, जैसे इसमें भी हाफ, तो इसमें बेस हमारा क्या मिलेगा, क्यू आर, और हाइट हमारा क्या रहेगा, पी और एस। अभी हमारा सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, हाफ आप दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा, बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एस। और जिसके एल एच एस में भी लिख लेते हैं, इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो हमारा नेक्स्ट, अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमारा बी सी क्या है, बेस है, तो इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, बी वन, और ए डी क्या है, हाइट है, तो इसको एच वन मान लेते हैं। और क्यू आर क्या है, हमारा बेस है, लेकिन कौन से ट्रायंगल का, सेकंड ट्रायंगल का, तो इसको हम लोग बी टू मान लेंगे। और पी एस क्या है, ये हाइट है, लेकिन कौन से ट्रायंगल का, सेकंड का, तो इसको हम लोग एच टू मान लेंगे। इसको लिख देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। दोस्तों अभी जैसे मैंने क्या प्रूव किया है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, तो इसका बेस इंटू हाइट और बेस इंटू हाइट, ये हमें क्या मिल गया है, फाइनल जो इसका आंसर मिल चुका है। तो यही है हमारा रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल।